हेलो वेलकम माय चैनल इस वीडियो में मैं लेके आऊँ आपके लिए हनी कॉम तवा तो आप भी सोचे कोई अच्छा सा हनी कॉम तवा परचेज करने के लिए और आपने एमेजोन पे सर्च किया रहेगा तो आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हनीकॉम तवा देखने को मिले रहेंगे तो इस वीडियो में मैं आपको शो करने वाला हूँ यूपीसी ब्रांड की ओर से आने वाला यूपीसी स्टेनलेस स्टील SUS 304 नॉन स्टिक डायमंड कोटिंग विद सेवन लेयर ऑफ एनर्जी सेविंग तवा फॉर डोसा, उत्तप्पा, पराठा और चपाती बनाने के लिए साइज की बात करें अराउंड थर्टी सेंटीमीटर का आएगा इस वीडियो में पूरा हम इसका अनबॉक्सिंग देखेंगे और लास्ट में इसे वन मंथ से यूज कर रहा हूँ तो इसके क्या बेनिफिट है एज कम्पेयर टू तो नॉर्मल तवे से और ये किस मटेरियल से बना हुआ है तो कुछ इस टाइप की आपको बॉक्स पैकिंग देखने को मिलेगी इसके अंदर आपको हनी कॉम का तवा देखने को मिलेगा और साथ में एक यूज़र मैन्यू आएगा जैसे कि इसे कैसे यूज़ करना है वो इसके अंदर बताया गया जो कि मैं ये वीडियो में आपको बता दूंगा तो डिज़ाइन की बात करें तो ऊपर के साइड में आपको हनी की कॉटिन देखने को मिल जाएगी विथ नॉन स्टिक और बैक साइड में आपको स्टेनलेस स्टील का प्लेन सर्फेस देखने को मिल जाएगा और थोड़ा सा आपको कर्व देखने को मिलेगा अंदर के साइड में जिस टाइप से तवा का डिज़ाइन होता है वो सेम टाइप आपको डिजाइन देखने को मिल जाएगी और साइड में आपको हैंडल देखने को मिल जाएगा जो कि पूरा हमारे स्टील क्वालिटी का हैंडल बना हुआ है जो कि बहुत ही स्ट्रांग है और वो हमारा हैंडल जो कि तवे से अटैच है तो अटैच आप देख सकते हो इस टाइप से से अटैच अटैच किया हुआ है जो जो कि आपके बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चलेगा जो कि निकलना या फिर रिमूव होना कोई स्क्रू वगैरह नहीं किया गया इसके अंदर परमानेंट जो की वो हैंडल अटैच कर दिया गया है और साइज की बात करें तवे की थर्टी सेंटीमीटर के करीब आपको तवे की साइज देखने को मिल जाती है जो सर्कल एरिया के अंदर है तो इसके अंदर आपको सेवन लेयर का मटेरियल यूज करके बनाया गया है जिसके कारण

सभी डायरेक्शन में जो कि एवोपरेट होता है जो हमारे आयन तवा होते हैं या फिर आयन कास्ट तवा होते हैं उसके अंदर हीट हमारा बीच में होता है उसके कारण हमारी रोटी कभी, कभी कभार बीच में प्रॉपरली पकती साइड में बराबर नहीं पकती तो हमें बार बार जो कि रोटी को अलग अलग डायरेक्शन में टर्न करना पड़ता है और कभी कभार हमारी जो कि रोटी बीच में से चिपक जाती है क्योंकि हम वेट करते हैं साइड में पकने का पर बीच में ज्यादा गर्म रहता है तो बीच में से जलने के ज्यादा चांस रहते हैं तो ये सारे प्रॉब्लम हमारे हनीकॉम तवे के अंदर सॉल्व हो जाते हैं तो इसके अंदर एल्यूमिनियम यूज करने के कारण जो हीट है इक्वल डायरेक्शन में जो कि ट्रांसमिट होता है तो चारों तरफ हमारा हीट इक्वली रहता है और स्टेनलेस स्टील के अंदर कोई भी खाना आप बनाते वो ज्यादा हेल्थी रहता है एज कम्पेयर टू आई या फिर दूसरे मटेरियल के तवे जिसके अंदर टाइफ्लोन वगैरह ये सब कोटिंग जो की करके सेल किए जाते हैं मार्केट में और हनी कॉम तवे के ऊपर आपको लेस ऑयल यूज करना पड़ता है क्योंकि उसके ऊपर आपको हनी कॉम प्लस नॉन स्टिक कोटिंग देखने को मिल जाती है जिसकी वजह से हमारा खाना चिपकता नहीं है और हम ऑयल क्यों यूज करते हैं ज्यादा जब हमको पता रहता है कि ये हमारे जल जाएगा या फिर चिपक जाएगा हमारे कुकवेयर में तो इसके लिए हमें ऑयल ज्यादा यूज करना पड़ता है पर ऑलरेडी हमारे कुकवेयर में ऐसे कोटिंग आ जाए जो नॉन स्टिक रहे तो जिसके वजह से हमारा ऑयल भी कम यूज आएगा और हेल्थ के लिए भी ज्यादा अच्छा रहेगा और ये हनी कोम तवा आपके सभी चूल्हे पर वर्क करेगा जैसे गैस हो गया या फिर इंडक्शन हो गया या फिर इलेक्ट्रिक चूल्हा हो गया या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो चूल्हे होते हैं खाना बनाने के लिए उन सभी पे जो कि ये प्रॉपरली वर्क करेगा और इसके अंदर आपको जैसे कि एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील होता है तो जिसके कारण आपका जो हीट रहता है वो ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहता है और इक्वली सभी डायरेक्शन में जो कि ट्रांसफर होता है तो उसके कारण आपका गैस का ज्यादा बचत होता है और आपको ज्यादा फास्ट गैस पे खाना पकाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है नॉर्मल गैस पे जो कि हमारा स्लो गैस पे भी खाना पक जाता है अच्छे तरीके से अब मैं आपको कुछ डेमो भी शो कर देता हूँ जैसे कि मेरे घर पे इस तवे को यूज करके डोसा भी बनाया है चपाती भी बनाई या डिफरेंट डिफरेंट टाइप सारी चीजें इस डोसे पर बनाए गए हैं तो मैंने कुछ वीडियोज लिए जिसके कारण आपको अंदाजा हो जाए किस टाइप का जो कि हमारा फूड बनता है इस पे तो जैसे कि आप देख सकते हो सबसे पहले मैं आपको डोसा शो कर देता हूँ तो डोसा जो कि विदाउट ऑयल लगाए नीचे डायरेक्ट जो कि बनाया गया था तो आप देख सकते हो कुछ भी स्टक नहीं हुआ और एकदम नॉर्मल तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा डोसा तैयार होके बन गया था तो इस तरह आप डोसा बना सकते हो और इसमें ऑयल लगाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती तो मैंने टेस्ट करने के लिए सबसे पहला ऑयल लगाया ही नहीं तो भी मुझे जो कि थोड़ा भी जो डोसा है छिपका वगैरह या फिर स्टक होना को, कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है और आप हल्का सा ऑयल लगाना चाहते हो तो लगा भी सकते हो तो टेस्टिंग के लिए मैंने चेक किया एकदम प्रॉपरली वर्क किया जो इसका हनी कोम कोटिंग और जो नॉन स्टिक कोटिंग दिया गया है वो एकदम प्रॉपरली वर्क किया और सेकेंड जो कि इस पर चपाती बना के टेस्ट किया तो चपाती आप देख सकते हो एकदम प्रॉपर तरीके से बनी और इसके अंदर हीट जो कि इक्वल साइड में ट्रांसफर हुआ तो जिसके कारण चपाती को बीच में ही रखनी पड़ी किस साइड से भी टर्न या फिर ना मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी चारों तरफ से एकदम इक्वल लेवल पे जो हमारी चपाती प्रॉपरली पकी एज़ कम्पेयर टू आयन तवा के अंदर हमें चपाती को राइट साइड में लेफ्ट साइड में जो कि मूव करना पड़ता है क्योंकि बीच में हमारी हीट ज़्यादा होती है तो बीच में जिस साइड से नहीं पकी रहती चपाती वो डायरेक्शन को हमें बीच में लाना पड़ता है पर इसके अंदर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया बहुत फटाफट चपाती बन गई स्लो गैस पे तवे को जो कि रखना पड़ा तो यह हनी कोम वाला तवा जो कि हीट को अपने अंदर थोड़े टाइम तक स्टोर करके भी रखता है जिसके कारण हमारे चपाती बहुत ही प्रॉपर और अच्छे तरीके से पकी और सबसे बड़ा बेनिफिट है हमारा क्लीन करना तो काफी सारे दूसरे दूसरे कुकवेयर रहते हैं उसे क्लीन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है हमें डिफरेंट टाइप के जो स्पंज रहते हैं काते रहते हैं उसे घसना पड़ता है तो इसके कारण जो कि स्क्रेचेस भी आ जाते हैं और इसको काफी टाइम कंज्यूम भी करता है और काफी सारे ब्लैक भी हो जाते हैं पर इसके अंदर आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी नॉन स्टिक तवा तो हमारा जो कि कुछ भी चीज पे स्टक नहीं होएगा तो आपको ज्यादा प्रेशर लगा के घसने की जरूरत नहीं पड़ेगी नॉर्मली जो भी स्पंज है उसके थ्रू आप वाइप भी कर सकते हो बस कपड़े से साफ करके भी रख सकते हो तो भी कोई इशू नहीं। और आप चाहते हो नॉर्मल वॉटर में वॉश करना तो नॉर्मल वॉटर में जो कि नॉर्मल स्पंज से वॉश भी कर सकते हो तो आपको इतना प्रेशर या फिर इतना टाइम इसके तवे को क्लीन करने में नहीं देना पड़ेगा तो ये चीज मुझे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट लगी तो इस तवे के बारे में मैंने सभी चीजें डिटेल में बता दिए कुछ भी चीज में भूल गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो तो ये मैंने अमेजोन से परचेस किया था यूपीसी ब्रांड की ओर से आने वाला थर्टी सेंटीमीटर का जो कि तवा वन फिट के अराउंड आपको देखने को मिल जाएगा ये दो वेरियंट में अवेलेबल है ट्वेंटी सिक्स में भी अवेलेबल है थर्टी में भी अवेलेबल है और थर्टी टू जो कि डिफरेंट डिफरेंट साइज में भी अवेलेबल है तो सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा तो आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए इसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू सो मच फॉचिंग दिस वीडियो